अच्छा अच्छा, चलिए हमारे विजय भैया की फरमाइश है, उसको ही पूरा कर दें। आइएगा, चलिए हम लोग आए हैं, आप लोगों ने बुलाया है और आप लोगों की जो पसंद है हाँ उसको हम लोग डांट नहीं सकते। सुने, बिल्कुल फरमाइश को पूरा किया जाएगा। आइएगा, तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, तेरे आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे। तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, तेरे आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे एक झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। क्या बात, आइएगा धुन बजी है राखी जी, बिल्कुल सीधी सी धुन है, अब सीधे से प्रसंग गीत में सुनिएगा। धुन बजी है जी का मास्टर कह रहे थे मोहम्मद रफीक गा रहे हैं, तो क्या रफीक साहब क्या वहां जंगल में गाते थे? भी तो फिल्म इंडस्ट्रीज में गाते हैं। अच्छा, जो गाने लेडीज ने गाए वो जेंट्स नहीं गा सकते, बताइए। अच्छा, जो जेंट्स ने गाए वो लेडीज गा सकती है? कुछ ना कहो गुरु, कुछ ना कहो, बस आंगनबाड़ी के पीछे पड़े हैं। सारा सारा दिन तेरी याद सताए, रात को नींद ना आए, प्यार में तेरी भई में तो एक पल चैन ना आए। विजय भाई साहब, आपने एक फोन किया, कार का होना है तो ओ? अरे तुमने दिल से जो मुझको बुलाया, अरे तूने दिल मुझको बुलाया, मैं दौड़ा चला आया, मैं भागा चला आया।
रफीक साहब जंगल में भी गा देंगे तो वहाँ जंगल में भी मंगल हो जाएगा। सुनिएगा आइएगा सुनिएगा। तूने प्यार किया, तूने प्यार की बीन बजाई, मैं दौड़ी चली आई, मैं भागी चली आई। आइए हाँ गीत सुनिएगा। भगवान शंकर से माता पार्वती ने कहा स्वामी मैंने सुना है कि आपके पास सोने की लंका थी, सोने का रथ था, सोने का भरा खजाना था, सब कुछ आपने दान में दे दिया। तब तो लोग कहते कि धन भोलेनाथ तुम्हारे कोई नहीं खजाने में, और तीन लोग बस्ती में बसा दिए, आप बसे वीराने में। कहा माता पार्वती ने, ध्यान दीजिएगा, कहा कि हे स्वामी मैंने सुना इतनी अपार संपदा थी, सब आपने दे दी दान में, सोने की लंका। आंटी जी गई थोड़ा यहाँ को चेहरा यहाँ को करके बैठे, थोड़ा हमको भी सुनेगा, क्योंकि वो महिला है, आप उनको सुनती हैं, हमको भी सुनेगा। क्या बात है गुरु, रफी साहब जरूर चले गए लेकिन याद ताजा है। अरे रफी साहब चलेगा, ये रफू साहब तो हैं। कहा माता पार्वती ने, स्वामी स्वामी मैंने सुना है कि सोने की लंका, सोने का रथ, स्वर्ण के भरे खजाने। सोने की लंका थी, आपने कुबेर को दे दी, कुबेर से रावण ने दे दी। सोने का रथ था वो भी दान में दे दिया, सोने का भरा खजाना था वो आपने कुबेर को दे दिया, धनाध्यक्ष बना दिया उसको। सोने की लंका, सोने का रथ और स्वर्ण के भरे खजाने, और धनपति दिया सेवो जिसको ये जग जाने। कहा माता पार्वती ने भगवान शंकर से, स्वामी अरे कहां स्वामी ये संपदा छिपाई, कहां चली गई सब, कहां स्वामी ये संपदा छिपाई। माता पार्वती ने कहा, स्वामी प्लीज लिसन टू मी, कि जब से दुल्हन बन, कहे स्वामी मैं कि जब से दुल्हन बन पिया घर में आई। कहा माता पार्वती ने, स्वामी स्वामी जब से दुल्हन बन पिया घर में आई, चार पाई नहीं पाई, चार पैसे नहीं मिले हैं मुझे, कि जब से दुल्हन बन पिया घर में आई, तो चार पाई नहीं पाई, चार पाई नहीं पाई। सुद
सुदामा जी की पत्नी सुशीला, कभी सुदामा जी से कुछ कहा नहीं, कोई शिकायत नहीं की, लेकिन जब 4 दिन तक उनके बच्चे भूखे रहे तो सब्र टूट गया। सुदामा जी से कहा, स्वामी स्वामी मैंने आज तक आपसे कोई शिकायत नहीं की, लेकिन जब मेरे बच्चे 4 दिन से भूखे हैं तो मुझे कहना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा। कहा सुशीला ने, स्वामी स्वामी आज तक कीर्तन में ऐसे ढोलक बजती है। ए आज तलक ना वो पाया वही बेटा इनका कटोरा। कहा स्वामी आज तक बर्तन में परिवर्तन नहीं हो पाया, वही टूटे बर्तन है, लेकिन मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं किया था ना। आज तक ना हो पाया टपरिया और वही चदरिया उब गया है तन मन, वही टूटी टपरिया है बोलने के लिए एक चदरिया है, लेकिन स्वामी मैंने आपको कोई शिकायत नहीं की। तीन का कटोरा के वही टपरिया और वही चदरिया तो उब गया। कहा ने, स्वामी स्वामी अब तक मन की बात ये मन में छिपाई, कहा स्वामी कहा नहीं आपसे, लेकिन आज मेरे बच्चे 4 दिन से भूखे हैं तब कह रही हूँ, तब कह रही अब तक मन की बात ये मन में छिपाई। मैं जब से दुल्हन बना, सुशीला का स्वामी स्वामी मैं जब से दुल्हन बना पिया घर में आई, मैं जब से दुल्हन बना पिया घर में आई चार पाई। कहा स्वामी लेटने के लिए चारपाई नहीं मिली, लेकिन आपको कोई शिकायत नहीं। चारपाई का अर्थ समझ में आई आप लोग। मैं जब से दुल्हन बन पिया घर में आई तो चारपाई नहीं पाई और चारपाई नहीं पाई। अंतिम बात सुनिए। एक पहेलिया, मंदिर के सामने से गुजरता था टोकरी में मांस लेके, और ये बात मंदिर के पुजारी को अच्छी नहीं लगती। पुजारी ने विचार किया कि कैसे भी इससे पीछा छुड़ाया जाए। एक दिन शिकारी को अपने पास बुलाया, कहा है शिकारी, ऐ शिकारी अगर तू सच्चा शिकारी है तो जा समुद्र के किनारे 4 पैर की चिड़िया है उसको पकड़ के ला और लेके आना। पुजारी से शिकारी ने कहा, अगर समुद्र के किनारे 4 पैर की चिड़िया है तो मैं पकड़ के लाऊंगा, नहीं मिली तो वहीं चिता बना के जल के मर जाऊंगा। संकल्प करके चला शिकारी, पहुंचा समुद्र के किनारे। सुबह से शाम हो गई, लेकिन 4 पैर की चिड़िया नहीं मिली, क्योंकि ना तो 4 पैर की चिड़िया होती है और ना मिल सकती है। मिल सकती है, वो शिकारी सोच रहा था कैसे भी पीछा छूट जाए इससे। अब ध्यान दीजिएगा, सुबह से शाम हो गई, शिकारी ने चिता बनाई,
जलने के लिए जब तैयार हुआ, क्योंकि संकल्प पक्का था शिकारी का, जब जलने को तैयार हुआ तो भगवान स्वयं चार पैर की चिड़िया बन के आ गई। शिकारी का संकल्प पक्का था कि चिड़िया को पकड़ना है। भगवान जब चार पैर की चिड़िया बन के आ गए, क्योंकि रात हो गई, वो शिकारी चिड़िया लेके अपने घर पहुंचा। देखो हुआ कि बोली महेलिया की, पत्नी पिया में सोच रही रह रह के, रह रह के मैं बार बार सोच रही हूँ। हाँ क्या क्या कि आपने लाला करके दिखाए, ये पक्षी तरह तरह के, जाने कितने पक्षी आप लाए और आपने कितने मार दिए पक्षी। एक दिन पर स्वामी जब से दुल्हन बन किया घर में आई, मैं जब से दुल्हन बन पिया कर में आई, चार पाई नहीं पाया, मैंने चार पैर की चिड़िया आज तक नहीं देखी। मैं जब से दुल्हन बन पिया कर में आई, चार पाई नहीं पाया, चार पाई नहीं पाया। चार पाई नहीं पाई, चार पाई नहीं पाई, चार पाई नहीं भगवान की जय। और ये कुछ पुरस्कार हैं भैया, बोलिए कन्हैया लाल की जय। एक गीत चाटी बढ़ा दो भैया बच्चे की। Yeah!
क्या बेटा? जब से दुल्हन बन दिया घर में आई, पाई ना चार पाई, चार पाई। माँ पार्वती कह रही है पाई ना चार पाई, कुछ नहीं है यहाँ पर, आप ही पर्वत पर निवास करते हो और रहने के लिए अच्छा खासा कोई घर भी नहीं है, ना तो चार पैसे हैं। और यही बात सुदामा जी की पत्नी भी कह रही है, पाई ना चार पाई। आइए सुने आप। बाबा भोलेनाथ से जब मां पार्वती ने कहा कि पाई ना चार पाई, ना तो मेरे पास कोई रहने के लिए घर है, ना चार पैसे हाथ में है, और ये सब तो छोड़ो, सारी देवियां सज धज के श्रृंगार करके जाती हैं, लेकिन हमारे पास तो चार गहने भी नहीं है, और आप कुछ 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 आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं। बाबा भोलेनाथ ने जब ये सुना, उन्होंने माँ पार्वती से कहा, क्या बोले? देवी, अगर तुमको धन संपदा की आवश्यकता है तो भोलेनाथ ने अपनी जटा का बाल तोड़ा और माँ पार्वती जी को दे दिया। सुनिए, दे दिया और कहा, देवी ले जाओ, कुबेर के पास चली जाओ और कुबेर से कहना इस बाल के बराबर मुझे धन तौल के दे दे। श्रीमान जी, माँ पार्वती वो कुबेर के पास जटा का बाल लेकर पहुंची। देखिए होता क्या है, चाहिए। कुबेर ने तराजू के एक पल्ले पर वो बाल रख दिया और एक पल्ले पर धन चढ़ाना शुरू किया, धन चढ़ाना शुरू किया। श्रीमान जी, सारे संसार की संपदा चढ़ गई लेकिन उस बाल के बराबर पलरा नहीं हो पाया, तो कहना पड़ा क्या? कन्हैया के पास गए थे, पत्नी के बार बार कहने पर नहीं मानी, सुदामा जी को जाना पड़ा, चले गए। सोचा तो यही था कि वहां जाकर कुछ ना कुछ तो कन्हैया दे ही देगा। कन्हैया ने स्वागत सत्कार तो बहुत किया,
सम्मान तो बहुत किया, सिंहासन पर बैठाया, सुदामा जी के चरणों को धोया, बड़ी आओ भगत की उनकी। लेकिन चलते समय सुदामा जी के हाथ में कन्हैया ने कुछ नहीं दिया, और जब कुछ नहीं दिया तो बेचारे सुदामा जी उदास मन से चले आ रहे थे, और रास्ते भर कन्हैया को कोसते हुए चले आए। कैसा मतलबी मित्र हो गया, मैं तो कुछ पाने की इच्छा लेके गया था, लेकिन कितना मतलबी निकला ये कन्हैया, मुझे खाली हाथ भी भेज दिया, खाली हाथ विदा कर दिया मुझे। यही सब विचार करते हुए चले आ रहे थे, उनका गांव आ गया, और जब गांव आया तो देखते क्या है, क्या द्वारिका से जब लौटे कन्हा, द्वारिका से जब लौटे सुदामा, देख के मति चकराई, सारा ऐश्वर्य वैभव देख करके सुदामा जी की मति चकरा गई, सोचने लगे मैं तो यहाँ अपनी टूटी फूटी झोपड़ी छोड़ के गया था, अपनी पत्नी छोड़ के गया था, अब ना तो वो झोपड़ी दिख रही है ना मेरी पत्नी दिख रही है, ये क्या हो गया। अचानक आवाज आई महल के ऊपर से, एक सुंदर नारी सुदामा जी को आवाज लगा रही थी, महाराज नीचे क्या विचार कर रहे हो, बगल में जीना बना है, ऊपर चले आओ। तो जब ऊपर पहुंचे सुदामा जी, पूछा कि सब कैसे क्या हो गया, तो देखो उनकी पत्नी क्या कहती है, द्वारिका से जब लौटे सुदामा, उससे कहीं ज्यादा मिल गया, उससे कहीं ज्यादा मिल गया है, तो कह क्या रही है वो, चार पैसे भी मिल गए, और हम लोग जमीन में सोया करते थे तो चार पाई भी मिल गई, तो मिल गई है चार पाई, मिल गई है चार पाई, और ये सच्चे दरबार की।